Under pressure, no more time. Can we make? Hello friend, मैं पूजू और आप सभी का स्वागत है पूजू की किचन में। तो आज पूजू के किचन में बनने वाला है तस्मई। तस्मई यानी खीर, इंडियन खीर। तो चलो बनाते हैं इंडियन खीर। ये है 50 ग्राम चावल जिसको मैंने भिगो लिया था और अब हम इसको गाइस, ये मेवे हैं, ये गरी है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और ये किशमिश है, काजू है, 4 लौंग है और 3-4 बादाम है, थोड़े से छुहारे और ये एक खोए का बर्फी है जो मैं लास्ट में यूज़ करने वाली हूँ और ये फ्लेवर के लिए इलायची लिया है मैंने। ये लौंग मैं तड़के में यूज़ करने वाली हूँ तो पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये मैंने थोड़ा सा तेल लिया है जो मैं डालूँगी और इसमें मैं इस लौंग को डालूँगी जो थोड़ा सा फूलेगा, उसके बाद हम उसमें दूध डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दूध। गाइस, इसमें अब हम डालेंगे शक्कर, मैं 6 चम्मच डालूंगी। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज्यादा मीठा हो। दूध के उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हम उसमें डालेंगे जो हमने ग्राइंड किया था चावल। दूध अब हमारा खौल रहा है, मतलब दूध अब उबल चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पीसा था चावल। तो चावल डालते डालते हमको चलाना है, नहीं तो चावल क्या होगा कि वो एकत्रित हो जाएगा, वो नहीं होने देना है। इसको घोलते घोलते हमको डालना है, मतलब हम दूध को चलाते ही रहेंगे। कोशिश करें कि दूध में पानी ना डालें, थोड़ा ही डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी खीर बनेगी।
तो गाइस खीर को हमें लो फ्लेम पर ही बनाना है। अब हमारे पास है ये कटे हुए कुछ मेवे जो मैं अभी इस खीर के अंदर ऐड करूंगी। तो हमारा खीर तो रेडी हो चुका है, हम इसमें ऐड करते हैं मेवे। गरी डाला हमने, ये छुआरे थे 3-4, ये 3-4 बादाम थे, ये 2-4 काजू थे, ये और ये रहा कुछ किशमिश। तो गाइस ये मेवे तो हमने डाल दिए हैं, अब बारी है इस खोए का बर्फी, इसको डालते हैं। मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो खीर में खीर हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो चलिए शब करते हैं और इसको चखते हैं कि ये कैसा हुआ है। गाइस मेरी खीर बनकर रेडी हो चुकी है और मैंने इसको सर्व किया है और मैंने टेस्ट भी किया, ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है और बहुत ही फटाफट बनी है। तो पुचू की किचन को आप लोग सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।